आज इंडिया और आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इंडिया की टीम अपना कैंपेन का शुरुआत कर रही है। ये मुकाबला न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच की शुरुआत से पहले जब नेशनल एंथम में खिलाड़ी खड़े थे तो वहां पर युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर टीम के साथ खड़े थे, दोनों ही टीमों के साथ बीच में वो खड़े हुए। इसके बाद फिर पाकिस्तान और जो आयरलैंड की टीम है, इन्होंने नेशनल एंथम किया और नेशनल एंथम के बाद ट्रॉफी को मैदान में रख के और युवराज सिंह जो कि T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनके साथ शाहिद अफरीदी, इसके अलावा हुसैन बोल्ट और क्रिस गेल भी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर इस मुकाबले के लिए आए। वहीं रोहित शर्मा से भी हाथ मिलाया और तमाम उन खिलाड़ियों से मिले जो कि आज T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में इंडिया के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात करें अगर आज के मुकाबले की, तो इंडिया की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है और रोहित शर्मा की अगुवाई में ये जो वर्ल्ड कप है इसमें जीत की तलाश चाहेगी और चाहेगी कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अच्छा मुकाबले खेले और जीत हासिल करे। अब टीम इंडिया के मुकाबलों की बात की जाए तो आज आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया खेल ही रही है। इसके बाद मोस्ट अवेटेड मैच जो कि 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद USA और कैनेडा के बीच भी मुकाबला होगा। इंडिया की टीम 4 मुकाबले न्यूयॉर्क में खेलने वाली है तो वहीं 1 मुकाबला फ्लोरिडा में खेलेगी। इसके बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे और सुपर 8 के मुकाबले ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ में होंगे। अब देखना होगा इंडिया की टीम इस मुकाबले में किस तरीके से प्रदर्शन करती है। आज रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन तमाम खिलाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा निगाहें रहेंगी और पूरे विश्व कप में इन्हीं खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा दारोमदार रहेगा युवराज सिंह जो कि T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी। अब देखना होगा कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है या नहीं। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।